अस्सलाम वालेकुम बच्चों। स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ। वीडियो सर आप बताएंगे? नहीं नहीं वो रहने दीजिए ना, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अब पोयम भी हो गई हमारी, तो मैं डायरेक्ट लेसन पे आ जाती हूँ। ओके, अब स्क्रीन नजर आ रही बच्चों आप लोगों को मेरी? नजर आ रही जी। जी सर, शुक्रिया। आज हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन में क्या पढ़ेंगे? वर्ड्स गेम। ठीक है, वर्ड्स गेम पढ़ेंगे। किस तरह से वर्ड्स क्या होता है, एक गेम की तरह होता है, और न्यू उसमें से वर्ड्स किस तरह से निकलते हैं। ठीक है सर, स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी जी बिल्कुल। नाउ व्हाट इज दिस? आप लोग बहुत मतलब ये पढ़ चुके हैं, इससे बहुत ये वर्ड आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। Do you know roti in the pan? So this is pan. P-A-N. Pan. Okay. Now, हम addition और subtraction हम में पढ़ते हैं। Now in this game, we play addition. हम लोग इस game में addition के साथ में खेलते हैं। And what is this? ये क्या है? This is cake. You know the cake? आप लोगों के इस्तेमाल होगा, बर्थडे में खाते हो आप लोग, अपनी हर सालगिरह में केक जरूर काटते होंगे। तो what is this? This is a cake. जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा पैनकेक। Okay, हाँ। Now क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग? एड करेंगे इनको, तो क्या बन जाएगा? पैन केक। क्या बनेगा? पैन केक। एक तरह से कप केक होता है ना बेटा, इसी तरह से क्या होता है? पैन केक। ठीक है। नाउ सेकंड, पैन केक के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस और नो? यस। ओके, वेरी गुड। नाउ सेकंड, What is this? You know what is this? ये क्या है? आप लोगों को पता है? खाते हैं आप लोग? This is strawberry. Strawberry. क्या है ये? Strawberry. Now, अगर हम लोग और बढ़ते हैं गेम में, तो एक और वर्ड हमको मिलेगा। What is this? Milk. क्या है ये? Milk. Milk. अभी हमको एडिशन करना है। इंग्लिश में हम लोग एडिशन करेंगे, लेकिन एक और वर्ड है हमारे पास में। ये एडिशन हमारा आ गया यहाँ पर। अब एक और वर्ड है शेक, यानी हाथ मिलाना। ठीक है, यहाँ पर हैंड शेक लिखा हुआ है, यानी दो लोग क्या कर रहे हैं? हाथ मिला रहे हैं, हैंड शेक कर रहे हैं। इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं? एड। क्या कर देते हैं? एड। ओके, आप लोग मैथ्स में शेक का मतलब क्या होता है मालूम है? वन मोर, यहाँ पर तो शेक यानी हैंड शेक करना, हाथों को मिलाना। बट नाउ हमको ये तीनों को जोड़ के न्यू वर्ड बनाना है हमारे में, तो क्या बनेगा किसी को पता है? स्ट्रॉबेरी, मिल्क, शेक। स्ट्रॉबेरी, मिल्क, शेक, यानी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। यहाँ पर ये शेक का मतलब क्या होता है? मिल्क शेक। हाँ, यहाँ पर मिल्क शेक, शेक का मतलब क्या होता है मालूम है? हिलाना। जैसे आप लोग कोई भी बॉटल लेते हो दवा की, तो डॉक्टर कहते हैं ना इसको जरा हिला के पिलाना दवा को। या आप लोग कोई भी जूस लेते हो, ऑरेंज जूस वगैरह, तो ऑरेंज का सब नीचे रहता, तो आप उसको शेक करते हो ना। तो यहाँ पर हमने क्या वर्ड बनाया? स्ट्रॉबेरी प्लस स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, अभी तो आपको मैं बता रही हूँ वर्ड्स। नेक्स्ट आपको जानना है कि कौन सा वर्ड नया हम बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो व्हाट इज दिस? कौन है ये, आपको पता है? ये है मधुमक्खी। क्या है ये? बी। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? बी। क्या कहेंगे? हनी भी है, तो हनी है, हनी भी नहीं है। हमने यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है इसको? बी। नाउ वी आर एडिंग
एक और वर्ड हम ऐड कर रहे हैं जो अल्फाबेट है, इसके हिसाब से वो भी डांस करने आए हैं। एक और अल्फाबेट है, विच अल्फाबेट इट इज? टी। देखो यहाँ पर ये डांस करते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ स्क्रीन पे, इस तरह से वो बन रहा है टी। ओके, बी और ये बन गया टी। आया लिख कर नीचे, यस और नो? नाउट। हाँ, अभी यहाँ पर आगे हम दोनों को ऐड कर दिए तो हो गया बीट। व्हाट इज दिस? जड़ बेटा, जड़ है। कोई भी प्लांट की ये जड़ है, तो जड़ को क्या कहेंगे इंग्लिश में? बीट। आर ओ ओ टी, रूट। हाँ, जड़ है ना, कोई भी प्लांट होता है, वो भी दरख्त होता है, चाहे वो छोटा से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, उसकी जड़ जरूर होती है। तो ये हो गया रूट। हमने ऐड कर लिया, तो क्या वर्ड बनेगा, कोई बताएगा मुझे इक्वल टू के बाद में? चुकंदर भी कहते हैं हम लोग, चुकंदर भी कहते हैं। देखो बीट रूट, देखो बीट रूट। डोंट रिपीट अगेन एंड अगेन, फिर आपकी आवाज आएगी तो मेरी आवाज नहीं आ पाएगी। एक मतलब आपने कहा ना बीट रूट, ये है बीट रूट, यानी हमने बी प्लस टी प्लस रूट ये तीनों वर्ड्स को मिला के क्या नया वर्ड बनाया है? रूट। रूट बनाया है बीट रूट, यानी चुकंदर। रेड कलर का होता है, इसे खाने से बहुत ताकत आती है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नए वर्ड की तरफ। अंडा, एग। अंडा, एग। व्हाट इज दिस? एग। एग। Now I'm showing you new word. अभी जो न्यू वर्ड बनेगा वो आपके लिए वाकई न्यू होगा। What is plant. This? Plant. Plant. Very good. Plant. 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 इसको हमने add कर दिया, plant लिख के हमने क्या कर दिया इसको add? Egg plant. Plant. हाँ. Egg plant. यहाँ पर मैंने देखो plant यहाँ पर P L A थोड़ा ऊपर लिखती हूँ क्योंकि प्लांट फ्लावर में नीचे हमारा लिख कर आया एग प्लांट। लेकिन एग प्लांट होता क्या है? डू यू नो, पता है एग प्लांट क्या होता है? नहीं, देखिए अभी मैं आपको एक फोटो स्क्रीन पे एक फोटो बताऊंगी तो आप बराबर बता सकते। ब्रिंजल, हम लोग हमारे मुल्क में ब्रिंजल यानी बैगन को क्या बोलते हैं? ब्रिंजल। लेकिन बहुत सी कंट्री में, बाहर की बहुत सी कंट्रीज में आप जब गूगल वगैरह में जाके डालेंगे ना, वहां पर लिखा रहेगा एग प्लांट। व्हाट इज एग प्लांट? तो यहाँ पर लिखकर आएगा ब्रिंजल, यानी हमारे मुल्क में बैगन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्रिंजल। लेकिन बाहर की बहुत सी कंट्रीज है वहां पर क्या कहते हैं बैगन को? एग प्लांट। क्या कहते हैं? एग प्लांट। एग प्लांट, दिस इज न्यू वर्ड फॉर यू। कैसा है इसकी स्पेलिंग? एग, जो हम लोग एग खाते ना, सेम वही स्पेलिंग। ई जी, देखो नीचे लिख कर आया है, फिर भी मैं आपके लिए दोबारा लिख रही हूँ जी, बिकॉज दिस इज न्यू वर्ड फॉर यू। एग प्लांट, एल प्लांट का मतलब क्या है? प्लांट का मतलब क्या है उर्दू में? यहाँ पर प्लांट आपके सामने बन के आया, प्लांट का मतलब क्या होता है उर्दू में? पौधा। पौधा क्या होता है? पौधा, छोटा सा पौधा, दरख्त अलग होता है पौधा, इसे क्या कहते हैं? पौधा। देखो मैं यहाँ पर उर्दू में भी लिख रही हूँ, ये वर्ड को मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि दिस इज न्यू वर्ड फॉर यू। एग
प्लांट। अभी आप लोगों को ब्रिंजल के अलावा अगर एग प्लांट कहेंगे तो आप लोग बताएंगे ना एग प्लांट का मतलब, कि एग प्लांट का मतलब क्या होता yes, है ब्रिंजल। ओके चलो हमारा हो गया, ये गेम हमारा खत्म हुआ, अब हम लोग दूसरे वर्ड की तरफ जाते हैं। ओके ओके व्हाट इज दिस, किसी को पता है क्या है? यस मी बताओ क्या है ये, मैं स्पेलिंग लिख रही हूँ। देखो उसको जूम करके पढ़िए, चलिए मैंने स्पेलिंग लिख दिया, अभी आप लोग पढ़िए क्या है ये। कॉटन, कॉटन मतलब होता है कपास, क्या होता है कापूस, ये है कपास, कापूस नहीं कहना है, कपास कहना है, कापूस कोई वर्ड नहीं है, कापूस हमने आम जबान में कहते हैं, लेकिन ये है कपास। व्हाट इज दिस, कॉटन, क्या है ये कॉटन, कॉटन सी ओ टी सी ओ डबल टी ओ एन कॉटन, कॉटन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, चॉकलेट क्या है, चॉकलेट, चॉकलेट को और क्या कहते हैं, और देखो मैं लिख रही हूँ जल्दी से लिख रही हूँ मैं, देखिए आप लोग बताइए कौन पढ़ेगा, कैंडी कैंडी, वेरी गुड, किसने कहा कैंडी, मैंने, उमर उमर, उमर के लिए सब लोग क्लैप करो जल्दी जल्दी से, कैंडी, देखो कैंडी भी कहते हैं इसको, कॉटन कैंडी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉटन कैंडी को ऐड कर देते, क्या कॉटन कैंडी, तो कॉटन कैंडी यानी क्या, हम लोग उर्दू में क्या बोलते कॉटन कैंडी, ये बन गया कॉटन कैंडी। उर्दू में क्या कहते हैं, आप लोग बुड्ढी के बाल खाते, देखो ये पिंक कलर का आता है, येलो कलर का आता है, व्हाइट कलर का आता है, वो शक्कर के जैसा होता है, बहुत बड़ा सा बन के आपके हाथ में आता है, और मुंह में डालेंगे तो एकदम स्पंज के जैसा वो मेल्ट हो जाता है ना, तो ये है कॉटन कैंडी। हमने किससे बनाई है, कॉटन यानी कपास का, कॉटन कैंडी, चॉकलेट क्या हमने लिया कैंडी, तो क्या बन गई हमारी कैंडी, सो कैंडी फ्लॉस भी कहते हैं, देखो कभी कभी आप जाते तो वहां कैंडी फ्लॉस, हाँ तो कॉटन कैंडी। तो हम लोग ने इस तरह से एक न्यू वर्ड बनाए, दो वर्ड से दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, कॉटन अलग वर्ड है, कैंडी अलग है, लेकिन मिला के हमारे लिए क्या बन गई, कॉटन कैंडी। ओके नाउ आगे खेलोगे और गेम, हाँ चलिए अभी, व्हाट इज दिस, रुपीस, रुपीस कौन से रुपीस है, लेकिन ये डॉलर, गोल्ड रुपी, गोल्ड, गोल्ड कॉइन है, क्या है गोल्ड कॉइन, कॉइन है, सिक्के है ना बेटा, इसको कहेंगे कॉइन, गोल्ड कॉइन। और व्हाट इज दिस, गोल्ड कॉइन फिश, गोल्ड कॉइन, हम क्या करेंगे, गोल्ड गोल्डन कॉइन, हम लोग कॉइन हटा देंगे, कॉइन हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, गोल्ड फिश, कॉइन हम लोग हटा देंगे, तो क्या बनेगी हमारी ये, गोल्ड फिश, गोल्ड फिश, गोल्डन फिश, हाँ गोल्ड फिश, गोल्डन फिश नहीं, गोल्ड फिश आप लोग देखे हो कितने घरों में होती है, गोल्ड फिश, तो हमने गोल्डन का क्या ले लिया, गोल्ड का इनका गोल्ड ले लिया, में रखते हैं, फिश का हमने ले लिया फिश, तो हमारी कौन सी फिश बन गई है, गोल्ड गोल्डन फिश, गोल्डन नहीं, गोल्डन की स्पेलिंग अलग आएंगी, इसका गोल्ड फिश, गोल्ड फिश, सोने की फिश, गोल्डन कलर की जैसी है ना ये, तो ये है गोल्ड फिश। ओके ये तो बहुत इजी था, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या है कोई बताएगा मुझे ये, टमाटर,
मैं आपके आगे एक वर्ड लिखती हूँ. नहीं बुक नहीं है, देखो ये येलो कलर का है. स्त्री बटर. हु सेड बटर? वेरी गुड. मेरी तरफ से किसने कहा बटर सही है? बटर बी यू टी ई. ई के बाद क्या है? आर. बटर. बी यू टी टी ई आर बटर. बटर क्या है? ये मस का जो हम लोग खाते ना मस का, ये है बटर. स्लिप हो गया बटर, फिर से आएगा, फिर स्लिप हो जाता है. उसके अंदर हम लोग ने एक चीज और मिला दी है. क्या है ये? व्हाट इज मक्खी? मक्खी. तो मक्खी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोगों को मालूम है? हाउस फ्लाई. हु सेड द आंसर? किसने कहा आंसर? किसने दिया? उमर ने. टीचर उमर को मेरी तरफ से क्या मिलता है? एक बहुत बड़ा सा स्टार और स्माइली. ठीक है, अब लेसन खत्म होगा ना तो मैं आपको दूंगी जब आपको नजर आऊंगी. तो ये हाउस फ्लाई को क्या कहते हैं? फ्लाई भी कहते हैं. क्या कहते हैं? फ्लाई. हाउस फ्लाई या फ्लाई कहेंगे तो समझ जाएंगे. तो यहाँ पर हम लोग यहाँ इसका हाउस अगर मैं हटा दू, इसको मैं कट कर दू हाउस को, और इसको एड कर बटरफ्लाई. बटरफ्लाई. बटरफ्लाई क्या बन गया? बटर का हमने बटर लिया और फ्लाई का हमने क्या लिया? एफ एल वाई. हाउस फ्लाई या फ्लाई, इसको फ्लाई भी बोलेंगे ना. हाउस को कट करके हाउस फ्लाई. हाँ, तो क्या बन गया? बटरफ्लाई. बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है मालूम है ना आप लोगों को? उर्दू में क्या बोलते हैं बटरफ्लाई? तितली. क्या कहते हैं इसको? तितली. ठीक है, तो बटरफ्लाई. नेक्स्ट. मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को खेलने के लिए? यस. हाँ, अभी ऐसा लग रहा है कि मिस अभी आ गया, हम लोग से क्या पूछेगी? अभी हम लोग से क्या पूछेगी? न्यू वर्ड अभी क्या होगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते. अब आप स्टार. वेरी नाइस, आप हुशियार हो गए. प्लस करेंगे अभी ये फिश. स्टार फिश. आप लोगों को स्टार फिश पता है कैसी होती है? देखिए यहाँ पर मिस स्टार की तरह होती है. हाँ, ये स्टार फिश है बेटा. देखो ये किसे ब्लिंक हो रही है ना, ये एक तरह की मछली है और ये पानी में रहती है. ठीक है, इसको हम लोग खाते नहीं इस तरह की मछली को. स्टार मिस मैंने देखी है. क्या बोलते हैं मालूम है? तारा मछली. क्या कहते हैं इसको? आप लोग जब बड़ी क्लासेस में जाओगे ना तो ये तारा मछली के बारे में बहुत सी चीजें पढ़ोगे. ठीक है, तो इसको कहते हैं तारा मछली. स्टार का मतलब होता है तारा. क्या कहते हैं? तारा मछली. क्या कहते हैं? तारा मछली. तो हमने कैसे बनाया तारा मछली? स्टार और फिश. स्टार फिश. हमने क्या बनाया? स्टार फिश यानी तारा मछली. उर्दू में क्या कहेंगे इसको? तारा मछली. ओके, स्टार फिश. स्टार फिश. टमाटो. 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 टमाटो की स्पेलिंग आप लोगों को आती है? यस प्लीज बोलो. हाँ. टमेटो. क्या है ये? टमेटो. ओके, यहाँ पर आ गया टमेटो. अब इसके अंदर हम लोग कुछ और ऐड करते हैं. चाय. चाय. टमाटो का चाय कैसे आएंगी? मैं आपको हिंट देती हूँ. टमाटो सूप. टमाटो सूप. वेरी गुड. वेरी गुड. किसने कहा टमाटो सूप? मिस मैनी. न्यू चाय के हम दिख रहे हैं. मिस मैनी. हाँ, अपना नाम बताओ. किसने कहा? ज़ैनब. सूप. ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे? ऐड करेंगे. क्या बनेगा? टमाटो. टमाटो सूप. टमाटो सूप. टमेटो और सूप को ऐड कर दिया तो क्या बन गया यहाँ पर हमारा गरम गरम? देखो, टमेटो सूप. क्या बना है? टमेटो सूप.
आ रहा है आप लोगों को मजा? समझ में आया किस तरह से हमने वर्ड गेम दो वर्ड को जोड़ के हमने एक नया वर्ड बनाया, दो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स थे उनको जोड़ के हमने थर्ड वन एक अलग से डिफरेंट वर्ड बनाए। कभी हमने दो वर्ड को जोड़ के बनाए, कभी हमने तीन वर्ड्स को ऐड किए। तो हमने आज तक तो एडिशन सिर्फ हमने मैथ्स में पढ़ा है, ठीक है? आज हमने किसमें एडिशन पढ़ा है? इंग्लिश में भी हमने आज एडिशन है ना। चलिए अभी मैं आप लोगों का इवैल्यूएशन लेती हूँ, आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? अब इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगी, जिसको आएगा ना आंसर वो पहले अपना नाम बोलेगा, फिर इसके बाद में मुझे आंसर देगा, ठीक है? आपके समझ में आया कि मेरे कौन कौन से बच्चों को वे वर्ड गेम अच्छे से समझ में आया? Evolution. चलिए पहले नेम बोलो अपना, फिर आंसर दो मुझे। व्हाट इज दिस? मी सी, सी टीचर। सी, सी का मतलब क्या? एबीसीडी वाला सी। समुंदर, समुंदर, समुंदर। वेरी गुड। स्पेलिंग एस ई ए टी। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ। अरे हम बोले अभी तक क्या? क्या ये हॉर्स इक्वल टू? अब इसका मैं नाम लिख दूंगा, मैंने आपको स्पेलिंग बताई ना, आप देखो नीचे भी स्पेलिंग लिखी है सी हॉर्स। आप सी हॉर्स होता है पानी में, सी हॉर्स ये है, सी हॉर्स कहा था पोएम हम लोग जब पढ़े, कहा था कि हम लोग जमीन पे चलने वाला घोड़ा देखेंगे, लेकिन ये जो है ना, देखो लाइट लाइट में करके बताती हूँ, सी हॉर्स। हाँ ये पानी का घोड़ा, देखो ये सी हॉर्स क्या है, ये सी हॉर्स पानी के अंदर ये रहता है। देखो इसका फेस जो है, देखो हॉर्स के जैसा ही है, दिखा कि नहीं? हमारा जमीन पे रहने वाला हॉर्स है, ये पानी के अंदर रहेगा, इसको पानी के अंदर बहुत बारीक बारीक रहता है ये, और इसको पानी में से निकालो जैसे मछली कैसे मर जाती है वैसे ये भी मर जाता है। तो हमने सी यानी समंदर का सी ले लिए और हॉर्स का हॉर्स ले लिए, सेम यही सी हॉर्स हमारा न्यू वर्ड बन गया, सी हॉर्स। क्या बनाइए? पानी का घोड़ा, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट भी आपको ही आंसर देना है, ठीक है? अब बताओ दुनिया अर्थ। आपको अर्थ की स्पेलिंग आती है? अर्थ का मतलब क्या है? दुनिया तो वर्ल्ड हो जाएगा। देखो मैं उर्दू में लिख रही हूँ, जमीन जमीन वर्ल्ड कहेंगे तो दुनिया, ठीक है? अभी चलिए आप लोगों को अर्थ, अर्थ से कुछ याद आ रहा है? इसके आगे मैं क्या लगाऊंगी कोई मुझे बताएगा? यस प्लस करते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको एक और हिंट देती हूँ, चलिए बताइए क्या है? कैटरपिलर। इसका फेस देखिए, मुंह में ऐसे कुछ बोल रहा है आपको, और वो जो ये है ना, ये इसका नाम शुरू होता है W से। चलिए अब बताइए क्या हो सकता है? वाओ नहीं। चलिए मैं आप लोगों को एक और हिंट देती, ओ W O वो। चलिए थर्ड वर्म, किसने कहा वर्म? वर्म यानी वर्म होता था कीड़ा, तो यहाँ से हमने ले लिया अर्थ, अर्थ वर्म, यहाँ से ले लिया वर्म,
अर्थवॉर्म। हाँ ये वॉर्म का मतलब है कीड़ा। देखो जो कीड़ा होता है उसको वॉर्म भी कहते हैं, लेकिन इसको वॉर्म भी कहेंगे। सिल्क वॉर्म होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा आपके ईवीएस में, रेशम का कीड़ा, सिल्क वॉर्म। तो ये है अर्थ वॉर्म। तो देखिए अर्थ वॉर्म उर्दू में क्या कहेंगे? बारिश में नजर आता है, इसको नमक डालो तो ये मर जाता है, तो इसको नाम मालूम बारिश का कीड़ा। हाँ तो क्या है ये, अभी क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? मम्मी को नहीं पूछो, आप लोग बताओ। देखो मैं उर्दू में लिख रही हूँ, ये वो नहीं है कछुआ खरगोश वाला, नहीं है केचुआ है। क्या है ये? केचुआ जो बारिश में नजर आता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसका पर्टिकुलर नाम क्या है? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म अर्थवॉर्म ले लिए ये हमने, अर्थ दुनिया से ले लिया हमने अर्थ, और ये वॉर्म जो है जो कीड़े वगैरह उसके लिए वॉर्म। देखिए कितनी बड़ी स्पेलिंग हमको याद हो गई है, अर्थवॉर्म। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया अच्छी तरह से? अच्छा आप लोग का होमवर्क क्या है पता है? आप लोग का होमवर्क ये है कि आपको ऐसे वर्ड ढूंढ के लाना है, आपको आपकी बुक में 5 ऐसे वर्ड लिखना है जो इस तरह से बनते हैं, 2 वर्ड को जोड़कर एक नया वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, देखो अर्थ का भी मतलब हमको मालूम है जमीन, वॉर्म का मतलब मालूम है कि कीड़े, कीड़ों को बोलेंगे वॉर्म। ठीक है, तो देखो आप लोगों के पेट में भी कीड़े होते हैं ना, तो डॉक्टर वॉर्म की गोली देता है। हाँ तो वो भी वॉर्म ही है, बोला हमारे पेट में वॉर्म की गोली दो, है ना, तो वो भी वॉर्म है। तो इस तरह किस तरह से हम लोगों ने 2 अलग अलग वर्ड को लेके 3रा वर्ड बनाया। तो आपको भी 5 ऐसे वर्ड ढूंढना है। ठीक है, 5 ऐसे वर्ड ढूंढना है जी। आप हिंट दोगे? हिंट मैं हिंट दूंगी, बहुत सारे वर्ड आते हैं जो अल्फाबेट से बनते हैं। ठीक है, अल्फाबेट से भी बनते हैं, बीट रूट भी बनता है। वैसे अल्फाबेट जैसे बीट रूट में हम लोग टी ले लिए थे, वैसे बहुत सारे वर्ड जो अल्फाबेट से भी बनते हैं। ठीक है, जैसे एम मंडे है, एम ओ एन मॉन लिखेंगे, और फिर डी ए वाई टी जैसे मंकी है, एम ओ एन मंग, और की के ई वाई की। देखिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड भी ओपन करके बता सकती हूँ, आपको एक हिंट चाहिए। हाँ सनराइज है ना, तो इस तरह से आप लोगों को ब्रेकफास्ट है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर हम लोग जी ब्रेकफास्ट, हाँ ब्रेक यानी तोड़ना, फास्ट यानी चलना। वेरी गुड, देखो कितने लोग लिखे। चलिए आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, मैं स्क्रीन यहाँ पर आपका स्टॉप करती हूँ, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में सब लोग एक एक वर्ड लिख के बताएंगे। Yes, दिमाग में कौन सा वर्ड आ रहा है, जल्दी जल्दी मैं देखती सबसे पहले कौन लिख। ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दिए। अभी भी उल्टी दिख रही हूँ। अर्थवॉर्म ड्रैगन फ्लाई, वेरी गुड। देखो नसरीन ने लिखी ड्रैगन फ्लाई, और सन लाइट, स्टार फिश, जिक्रा ने लिखा है स्टार फिश। जो मैंने आपको पढ़ाया है वो मत लिखो, आप लोग मुझे कोई नया वर्ड लिख के बताओ। नहीं खुला है। सन फ्लावर, वेरी गुड। वो ड्रैगन किस तरह बोलो ना, ड्रैगन बटरफ्लाई, तो मैंने आपको बताई थी। और कौन सा वर्ड है? मतलब है लाल, और रोज का मतलब गुलाब। देखो मरजान ने लिख के भेजी है इयररिंग, वेरी गुड वेरी नाइस, यानी आप लोगों को लेसन ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है। वेरी नाइस वेरी गुड, देखो मुझे भी जो वर्ड नहीं मालूम था आप लोगों ने वो भी वर्ड लिख के मुझे बताए, तो आप लोगों को लेसन कैसा लगा, नई चीज सीख के? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो जल्दी से मुझे थंब बताओ, स्क्रीन शेयरिंग किसने कर दिया ये?
चलिए तो इसी तरह से हमारा ये लेसन क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों का काम क्या है अभी, न्यू वर्ड आपको क्या करके लाना है, इस बनाना है, बनाना है तस्वीरों के साथ में। ठीक है, तस्वीर भी बनाना है मीज उसकी। हाँ, मैंने आपको तस्वीर बना के बताई ना, तो आप लोग तस्वीर बनाएंगे, बीच में एडिशन लिखेंगे और उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे इसको मुझे बताएंगे, ग्रुप में सेंड करेंगे। हाँ, ग्रुप जो है ना हमारा उसमें सेंड करेंगे। यस हमारा लास्ट स्क्रीन शेयरिंग था। चलिए, थैंक यू। मिस पेपर नहीं है क्या? थैंक यू ऑल ऑफ यू। नहीं, इसका पेपर नहीं है बेटा, आप लोगों को मुझे ढूंढ के पेपर बना के भेजना है।